जय शिव शंभु भक्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अघोरी बाबा के अघोर शक्ति मंत्र टोटके के अंदर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम अपनी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले प्राप्त करा सके हैं। भक्तों, चलिए भक्तों, आज हम जानते हैं, यह लिखकर कागज जला दे, तड़प तड़प कर मरेगा दुश्मन। आज हम आपके लिए कैसा पावरफुल टोटका लेके आए हैं, जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को अपनी मनचाही सजा दे सकते हो। तो चलिए आज हम जानते हैं इस टोटके की विधि के बारे में। सबसे पहले भक्तों, हम आपको बता देते हैं, यह टोटका आपको शनिवार के दिन करना है और आपको रात के समय करना है, अंधेरा हो जाने के बाद में। सबसे पहले आपको सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ के ऊपर काले मार्कर पेन से आपको आपके दुश्मन का नाम लिखना है और आपका दुश्मन का क्या एड्रेस है, वह दुश्मन का एड्रेस लिखना है। उसके बाद में ओम कली कली दुश्मन कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र को साथ में नीचे लिखना है, और इसी मंत्र का 107 बार मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में उस सफ़ेद कागज़ को जला देना है। उस सफ़ेद कागज़ को जलाने के बाद में वह जो सफ़ेद कागज़ की राख है, उस सफ़ेद कागज़ की राख को आपको आपके घर के शौचालय में उसको बहा देना है और प्लस कर देना है। सिर्फ आपको इतना सा यह काम करना है। यही काम करने से जो आपका दुश्मन है वह तड़प तड़प कर मर जाएगा और आपका यह टोटका सिद्ध हो जाएगा, और आप जैसा चाहते हो वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उसे सजा दे सकते हो बहुत ही आसानी से। वैसे तो भक्तों, हमने आपको इसी वीडियो के अंदर सारी बातें बता दी हैं, टोटके की विधि हमने बता दी है, टोटका आपको कैसे सिद्ध करना है, किस विधि से करना है, हमने आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर आप टोटका नहीं हो पा रहे, आप नहीं कर पा रहे हो, तो हमने आपकी सुविधा के लिए हमारे अघोरी बाबा जी के नंबर हैं, जो कि वीडियो के अंत में लिखकर उपलब्ध करवाए हैं। हम आपकी सुविधा के लिए हमारे बाबा जी के नंबर हैं, वह दोहरा देते हैं। हमारे बाबा जी के नंबर हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं, 9460564322। यह हमारे अघोरी बाबा जी के नंबर हैं। इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे करा सकते हो। इसी के साथ ही भक्तों, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।